नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अफसान न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबर। बुलंदशहर रोडवेज ने इंडिका कार में मारी जोरदार टक्कर, दो की हुई दर्दनाक मौत। चार व्यक्ति गांव लखनवाड़ा से एक इंडिका कार में सवार होकर पेट्रोल डलवाने गांव मुनी की तरफ जा रहे थे कि तभी सामने से आ रही अनियंत्रित रोडवेज बस ने सामने से इंडिका में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गांव लखनवाड़ा निवासी अजय पाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हापुड़ के रहने वाले गौरव पाल तोमर की अस्पताल में ले जाते वक्त उसकी भी मौत हो गई, जबकि दो व्यक्ति कुंवरपाल और विपिन कुमार को अरनिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं दोनों मृतक अजय पाल और गोरख पाल के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भिजवाया है, जहां उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने रोडवेज बस को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं रोडवेज बस का ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। मेरा नाम प्रेमपाल सिंह। अच्छा, कहाँ से आए? लखनवाड़ा से। क्या हो गया, कैसे एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट जी, इंडिका कार में ये चार लोग आ रहे थे पेट्रोल डलवाने मुनी। अच्छा। मुनी जब ये आ रहे हैं तो सामने से बस आ रही थी जो अनियंत्रित थी, तेज स्पीड से थी। अच्छा। जब इन्होंने खूब बचाने की कोशिश की लेकिन बस ने इनको ट्रक सामने से एक्सीडेंट मार दिया। अच्छा। तो अजय पाल सिंह की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। जो गोरख पाल जी थे उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनको भी डेथ हो गई। दो लोग जो थे उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। घायल कौन कौन है? घायल कुंवरपाल सिंह और विपिन कुमार। सर, एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है? एक्सीडेंट मुनी हुआ है, पेट्रोल पंप पर। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध है। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।